हाँ दोस्त, आज का दूसरा पार्ट है एज यानी आयु पर आधारित प्रश्न। वही सवाल लेकर आता हूँ जो बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन क्या 2010 में रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन लेकर आता हूँ यूट्यूब पर जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। आज का मोटिवेशनल आपको जवान बनाएगा। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, आसान यानी ठान लिया। हमें क्या है जो अरमान लिया है, जो आपको क्या है जो मंजिल तक पहुंचना है, जो अरमान लिया है पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। क्या भाई कुछ कहते हैं कि पढ़ने में मन नहीं लगता है, क्या है कि भाई की शादी है, खुद की शादी है, बहन की शादी है, रिश्तेदार की शादी है। अरे यार ये तो एक बहाना होता है, ये क्या है, एक पढ़ने का बहाना होता है, एक नाटक होता है। क्या कहते हैं अभी तो मैंने इंटर पास किया है, अभी तो क्या मेरा बीए फाइनल हुआ है। ऐसा नहीं कह रहा, ये तो एक बहाना होता है पढ़ने का कि हम ना पढ़े, यानी क्या एक बहाना होता है, एक दिखावा होता है कि खुद की शादी है, बहन की शादी है, मौसी से लड़का की शादी है। क्या है हमें साजिश क्या लेने देने भाई, जिन्होंने पढ़ने के लिए 1.5 घंटे 2 घंटे टाइम नहीं निकाल पा रहा है वो बेकार है, उसका जीवन बेकार है, बर्बाद है। ये एक बहाना होता है कि आपकी जैसे बुखार चढ़ लग गया, आप कहेंगे आज तबीयत नहीं ठीक है यानी बुखार है यानी क्या नहीं पढ़ेंगे, ये सब क्या होता है एक बहाना होता है। जिन्होंने पढ़ने के लिए 2.5 से 3 घंटे जिन्होंने समय नहीं निकाल पाया उसकी जिंदगी बेकार है। अगर कुछ करना है तो हमें कुछ मंजिल पाना है तो कुछ करना होगा। जिद करना सीखो, जो मुकद्दर में नहीं लिखा है उसे हासिल करना सीखो, यानी क्या भाई हमें जिद करना है। अगर जो मुकद्दर में नहीं लिखा है उसे हमें क्या भाई हासिल करना होगा। अगर माँ बाप का सपना पूरा करना है पढ़ना होगा, मेहनत करना होगा। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जीत पर अड़े हैं। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। क्या भाई तुम्हें सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े रहना है, जब तक तुम्हें मंजिल ना मिल जाए, जब तक तुम्हें नौकरी ना मिल जाए, तब तक तुम्हें क्या भाई पीछा नहीं छोड़ना है। तुम्हें सपनों को सजा के रखा है, जिनके माँ बाप ने सपनों को सजा के रखा है उस सपनों को आपको साकार करना है, पूरा करना है। देखिए सवाल नंबर क्या कह रहा है, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है, 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाता है। ए की वर्तमान आयु बताना है, किसकी वर्तमान आयु बताना है भाई, ए की वर्तमान आयु बताना है। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या लिखा, यानी ए अनुपात बी, अनुपात कितना है भाई 4:5। अब इधर देखिए 4 हमने इसे कितना माना 4x, और क्या है 5 है, हमने इसे क्या माना 5x। अब देखिए अनुपात कितना हो जा रहा है, 5:4 हमने लिखा कितना 4x/5x। अब देखिए क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जब बात कहेगा भाई क्या लगाना है प्लस, क्या लगाना है प्लस, उसके बाद अनुपात कितना हो जा रहा है 5:6, इसका मतलब क्या हो गया 5/6। हमने क्रॉस गुणा किया 4×6 प्लस 5×30 = 5×25x प्लस 5×25। इधर देखिए हमने गुणा किया 4×6 = 24x 5×30, इधर देखिए हमने गुणा किया 5×25x 5×25। इधर देखिए अब हमने उतारा 24x कितना भाई 24x, अब ये प्लस इधर है भाई -25x बराबर यहाँ पे कितना है 25। अब प्लस क्या है भाई +30 से इधर है क्या हो गया -3, 24x में 25 घटाया कितना बचा -x, 25 में 30 घटाया कितना बचा -x यानी -5, या माइनस से माइनस कैंसिल x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। इसकी उम्र पूछ रहा है, एक की उम्र पूछ रहा है ना, एक की वर्तमान आयु, एक को हमने कितना माना है भाई 4x माना है, हमने लिखा एक की वर्तमान आयु, एक की वर्तमान आयु हमने कितना माना है भाई 4x, हमने गुणा किया नहीं 4 उतारा यहाँ पे x का मान कितना है 5, ये कितना आ गया 20 वर्ष। अब देखिए अगला ट्रिक, ये तो पहला ट्रिक था, हमें भाई परीक्षा में बढ़ना है, हमें जल्दी आंसर लाना होगा, हमें क्या है जल्दी आंसर लाना होगा, टाइम को देखना होगा। अब देखिए हमें हमारा इससे जल्दी आंसर कैसे आता है, इधर देखिए कितना है 4:5, हमने कितना लिखा 4 और 5, उसके बाद अनुपात कितना है भाई 5:6, हमने कितना लिखा 5/6 यानी ऊपर 5 लिखा और नीचे कितना लिखा 6। क्या कह रहा है भाई 5 वर्ष बाद है ना,
पांच वर्ष बाद हमने ऊपर भी पांच लिखा और नीचे भी पांच किया, क्रास गुणा करना है, पांच छम 30, पांचम 25, इसका गुणा किया यानी 5 4 6 24, पांचम 25 इधर वाला घटाया एक आया और इधर घटाया कितना आ गया भाई 5, जब 5 में 1 से भाग देंगे 5 ही जाएगा। अब देखिए हमें क्या बताना है, एक ही वर्तमान आयु बताना है, एक को हमने क्या माना है 5 और बी को क्या, यानी एक को 4 माना है बी को क्या माना है 5, हमने क्या किया एक ही वर्तमान आयु, एक ही वर्तमान आयु 5 है यानी एक को कितना माने 4, 4 बटे 20 वर्ष, कितना हो गया भाई 20 वर्ष। सवाल नंबर राम और मोहन, सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, राम और मोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है 10 वर्ष पूर्व, आयु का अनुपात 4:7 था, तो 5 वर्ष बाद राम की आयु बताना है। अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा राम, क्या लिखा राम अनुपाते मोहन, राम अनुपाते मोहन अनुपात कितना दिया भाई 3:4, हमने बताया 3x हमने कितना माना 3x, अनुपाते 4 हमने कितना माना 4x, अब हमने कितना लिखा 3x बटे कितना 4x, क्या कह रहा है 10 वर्ष पूर्व कह रहा है भाई, जब 10 वर्ष पूर्व कह रहा है हमें क्या करना है घटाना लगा लेना यानी माइनस का चिन्ह, यानी 3x-10 बटे 4x-10 बराबर अनुपात कितना हो जा रहा है 4:7, हमने कितना लिखा 4/7, क्रॉस गुणा किया 7 3 21 x-10 7 70 बराबर 4 4 16 x-10 6 40, अंदर देखिए हमने 21x उतारा माइनस 16x बराबर माइनस 40 है 40, ये -70 है इधर हो गया क्या भाई +70, 21 में 16 घटाया कितना आ गया 5x और इसे घटाया कितना आ गया 30, अब देखिए कट रहा है 5 6 30, x बराबर कितना आ गया 6, x बराबर कितना आ गया भाई 6 आ गया, क्या पूछ रहा है राम की आयु बताना है, राम को कितना माना है 3x, राम को कितना माना है 3x, हमने उतारा 3 × x, x का मान कितना है 6 6 3 18, अब देखिए अगला ट्रिक से, अब देखिए क्या कह रहा है उसके बाद 5 वर्ष बाद कह रहा है ना भाई 5 वर्ष बाद कह रहा है, अब हमें क्या करना है 5 वर्ष जोड़ देना है, कितना हो गया 18 5 23 वर्ष, कितना आ गया भाई 18 5 23 वर्ष, अब देखिए अगला ट्रिक से कितना जल्दी आंसर आता है, यहाँ पे 3:4 हमने कितना लिखा 3 और 4, फिर अगला अनुपात कितना है 4:7, हमने ऊपर 4 लिखा नीचे कितना लिखा 7, क्या कह रहा है 10 वर्ष पूरे, इसका मतलब क्या 10 वर्ष पहले इनका आयु क्या था, हमने ऊपर भी 10 लिखा और नीचे 10, क्रास गुणा किया 10 7 70 10 6 40, कितना 7 4 28 4 4 7 3 कितना हो गया 4 4 16, इधर घटाया कितना आ गया 5 आ गया और इधर घटाया कितना आ गया 30, कट रहा है 5 6 30, कितना आ गया भाई 6 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया। अब देखिए हमने क्या पूछा है, राम की आयु बताना है, राम को कितना मानना है 3x, हमने उतारा 3 × x का मान कितना भाई 6 प्लस, कितना वर्ष बाद पूछा है 5 वर्ष बाद, हमने क्या किया 5 जोड़ दिया 3 6 18 18 5, कितना आ गया 23 वर्ष। सवाल नंबर अगला क्या कह रहा है, रीता और सीता, क्या पूछा है रीता और सीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, इनकी आयु का योग 68 वर्ष है, तो इनकी आयु का अनुपात बताना है, क्या बताना है आयु का अनुपात बताना है। अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा रीता, क्या लिखा भाई रीता अनुपाते सीता, अनुपात कितना दिया है 8:9, हमने क्या माना भाई इसे 8x और कितना माना 9x, क्या कह रहा है इन दोनों का योग, इन्हीं दोनों का योग कितना दिया भाई 68, हमने लिखा 8x + 9x, कितना दिया है 68, हमने जोड़ा कितना आ गया 9 8 17x बराबर कितना आ गया 68, 17 4 68x बराबर कितना आ गया भाई 4 आ गया, कितना आ गया 4 आ गया। अब क्या कह रहे हैं इनके आयु का अनुपात बताना है, इनके आयु का अनुपात बताना है, हमने अनुपात कितना निकाला है 8x/9x, अब यहाँ पे देखिए हमने 8 उतारा है, x x का मान कितना आया है 4:9 उतारा, x का मान कितना आया है 4 गुणा किया 8 6 32, 9 6 36, देखिए दोनों कितने से कट रहा है, दोनों 4 से कट रहा है ना,
चरण 32 चरण में 36 अनुपात कितना आ गया भाई 8:9 कितना आ गया 8:9। सवाल नंबर अगला कह रहा है अनिल की वर्तमान आयु, अनिल की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, अनिल और राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। राहुल और दिनेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 4 वर्ष बाद क्या पूछा है, 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु क्या होगी, यानी क्या पूछा है 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु क्या होगी। हमने क्या लिखा, अनिल दिया हमने ये लिखा अनुपाते, उसके बाद क्या किया राहुल, हमने राहुल आर लिखा, उसके बाद दिनेश मतलब क्या डी। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, राहुल अनिल और राहुल का अनुपात कितना दिया है 5:7। हमने अनिल को 5 माना, फिर अनुपात कितना 7। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है राहुल और दिनेश, अब क्या पूछा है राहुल और दिनेश की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, हमने इसे कितना माना 3 और इसे कितना माना दिनेश को 5। अब देखिए हमने क्या किया भाई, गुणा किया 3 × 5 = 3 × 15, 3 × 7 = 21, 7 × 5 = 35। अब देखिए यानी अनिल का कितना आ गया 15 वर्ष, राहुल 21 वर्ष, दिनेश 35 वर्ष। यहाँ पे देखिए अनिल की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, अनिल का कितना आ गया भाई 15 वर्ष, राहुल कितना आ गया 21 वर्ष, दिनेश कितना आ गया 35 वर्ष। क्या पूछा है 4 वर्ष बाद, क्या पूछा है 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु बताना है। हमने लिखा 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद हमने क्या बताया, जब बाद कहेगा जोड़ना होगा, जब पूर्व कहे या पहले कहे क्या करना होगा घटाना होगा। हमने क्या किया भाई 35 में 4 जोड़ा कितना आ गया 39 वर्ष, दिनेश कितने वर्ष हो गए भाई 39 वर्ष। हाय दोस्त वीडियो समझ में आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर करें, लाइक सब्सक्राइब शेयर एवं कमेंट जरूर करें। रात नहीं ख्वाब बदलता है, करवा नहीं मंजिल बदलता है, जज्बा रखो परिवर्तन का, किस्मत बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलता है। क्या भाई अगर आप लोग मेहनत कर रहे हैं, किस्मत चाहे बदले चाहे ना बदले, मगर क्या भाई वक्त जरूर बदलता है। वक्त तू हमें कितना भी सता ले, याद कर किसी मोड़ पर तुझे बदलने पर मजबूर कर दें। क्या भाई तुम्हें किस्मत को, तुम्हें वक्त को मजबूर करना होगा। जब भाई मजबूर तब होगा जब आप लोग मेहनत करेंगे, जब आप लोग पढ़ेंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, जिंदाबाद रहिए। जय हिंद, जय भारत।